कक्षा 12 गणित। मैं आर्य प्रसाद आज आप लोगों को अव्यूह मैट्रिक्स मैट्रिक्स में ए इनवर्स यानी कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रम को हम कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं आज। तो ये यहाँ पर प्रारंभिक पंक्ति के रूपांतरण द्वारा अव्यूह ए मतलब जो दिया हुआ है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के द्वारा यानी इसका उपयोग करके अव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात ये अव्यूह ए दिया हुआ है। तो बच्चों इसके लिए करना क्या है, हमें यहाँ पर ए बराबर आई ए लिख देना है। मतलब ये करना है कि हम आई से गुणा करेंगे, जिस क्रम की ये है आपकी मैट्रिक्स उसी क्रम की आई भी आपको लेना है। तो चलो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ये 2 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 5 यानी 5 है और ये 3 है और ये हो गया यहाँ पर क्या आई। आई का मतलब हो जाएगा 1 0 0 1 और ए आपका ऐसे ही रहेगा। ये तो स्टार्टिंग है मटेरियल जिसको आपको ऐसे ही लिखना है। अब इसके बाद जो है चेंजिंग करना हम चालू करेंगे। तो देखो कैसे होता है, सबसे पहले इसमें ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है ये आई इधर आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ रूपांतरण आपको करना है इसके अंदर। तो देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है रूपांतरण के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो रो है R1 R2 R2 ये आपस में चेंज करना पड़ेगा। पहले चेंज करके दिखाते हैं। तो चलो बच्चों क्या करना है, मैं ध्यान रखना R1 को R2 से चेंज कर देना है। तो R1 R2 चेंज करके दिखा रहा हूँ, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 और 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 और 5 नीचे आ जाएगा। जैसा परिवर्तन इधर किया है वैसा ही यहाँ पर भी करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 1 ये 1 की जगह 0 0 की जगह 1 आ जाएगा यानी 0 1 लिखा जाएगा, यहाँ पर 1 0 लिखा जाएगा और यहाँ ए ऐसे ही लिखा है। यहाँ पर लिख देंगे किस तरीके से हुआ है बाई R1 R2 ये ऐसे किया गया है, ये वाला तीर लगाएंगे मतलब दोनों तरफ लगा देंगे, इसका मतलब यह है ये आपस में चेंज हो रही है। अब यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पे 2 है तो इसमें हमें 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा, अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें 2 माइनस कर दें। तो ध्यान रखना है क्या करने जा रहा हूँ मैं, बाई R2 में करना है तो R2 को दिखाइए यहाँ पे कि R2 में करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं R2 माइनस 2R1 मतलब R1 को 2 से गुणा करेंगे और इसमें माइनस करके दिखा रहे हैं। चलो दिखाता हूँ कैसे होता है ये। तो पहले 1 तो ऐसी रहेगा और 3 भी ऐसी रहेगा, 2 में से माइनस करना है कितना, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या है 5 है तो 5 में क्या करना है, इसमें 2 से गुणा करिए 6 हो जाएगा तो 6 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये ऐसा करना है। और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी करना, पहले ऊपर वाली लाइन को ऐसे ही लिख दीजिए, नीचे वाली लाइन में करना क्या है 0 माइनस, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलिए इसको सही करके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ बच्चों माइनस का 1 आ गया और इक्वल टू यहाँ क्या आ गया है देखो, यहाँ ऊपर 0 है नीचे भी 0 है, यहाँ पर 1 है और ये माइनस का 2 आ गया है और यहाँ बच्चों ए चलता ही रहेगा, इस ए को नहीं रोकना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पर माइनस चिन्ह हटाना है यानी ये R2 में आता है तो R2 को माइनस R2 कर देंगे। तो चलिए करके दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ 1 3 तो रहने देंगे, इसका चिन्ह बदलना है तो ये माइनस 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये माइनस का प्लस 1 हो गया है। चलिए यहाँ पर भी ऐसे ही करके दिखाते हैं आपको, यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये तो 0 रहेगा ये प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन में नजर हटी और दुर्घटना घटी बहुत होगा, यहाँ पर देखो 1 था R2 में तो ये 1 मेरा मिस हो गया है यहाँ पे, तो 1 माइनस 0 हुआ है।
यहाँ पर वन आ जाएगा आपका, और ये चेंज हुआ है तो यहाँ पर माइनस का वन आ जाएगा। यानी क्या किया गया था यहाँ पर, यहाँ पर क्या करा था हमने, आर टू को चेंज किया था किससे, माइनस वन इंटू आर टू, ये हमने चेंज किया यहाँ पर। देखो चेंज चेंज हो चुका है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना आगे आपका ये हुआ है इस जगह पे। अब जो है बच्चों इस जगह जहाँ थ्री दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी जीरो लाना है, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। ये तो भाई था आपका, यहाँ पर क्या लगाना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी में, आर वन में लगाना चाह रहा हूँ। तो आर वन में क्या करना है आपको, आर वन माइनस का थ्री आर टू करना है। देखो तो आर वन में से थ्री आर टू यानी आर टू का तीन से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है। चलो करते हैं देखते हैं। तो पहले ये वन है, माइनस का ही तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ थ्री है, माइनस का इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री हो जाएगा, तो मतलब तीन हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का तीन हो जाएगा। नीचे वाला गेम वैसे ही रहेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जरूरी है समझना आपको, पहले यहाँ पे जीरो है, इसमें तीन से मल्टीप्लाई करनी है, किसमें माइनस में है, तीन से तो तीन हो जाएगा माइनस का, और माइनस करना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये प्लस का थ्री हो जाएगा। फिर से देखो, फिर से डी से मल्टीप्लाई करिए आपने, तीन कम तीन हो जाएगा माइनस का तीन, और एक और माइनस यहाँ करना है तो ये तीन हो जाएगा, और ये माइनस वन टू थ्री का टू रहेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, यहाँ वन है इसमें तीन दूनी छः हो जाएगा, और छः इसमें माइनस करना है, यहाँ पर दो ही रहेगा। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, तो हम आगे का पार्ट लग चलते हैं लेकर के, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो ये बचा क्या है हमारे पास, एक तो वन बच गया है, नीचे जीरो आ गया है, ऊपर जीरो आ गया है, और नीचे वन आ चुका है, और इधर देखिए क्या बचा आपका, ये जानना जरूरी, एक तो थ्री है, नीचे माइनस वन बच जाएगा, और इधर माइनस का फाइव आ गया, और यहाँ पर टू आ गया। तो इस तरह से आपको जो है, और यहाँ पे क्या चल रहा था बच्चों, ये ए चला ही आ रहा था, इस ए को ही यहाँ पे लिखना है आपको। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब आई आ चुका है, तो ये जो हो गया वो ए इनवर्स हो गया। तो इसको बिल्कुल ऐसे समझिए, आई इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इनवर्स इंटू ए आ। देखो यहाँ हम ए इज का टू आई ए लेके चले थे, ये वाला पोर्शन लेके चले थे, और यहाँ जो बन गया वो ये वाला पोर्शन बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए इनवर्स आया वो कितना आया है, ये लिख करके यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, थ्री माइनस वन है, माइनस का फाइव है, और ये टू है, और यही आपका आंसर हो गया। बच्चों थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन करना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा। तो ये प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण यानी कि फर्स्ट जो इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, रो का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो बिल्कुल शुरुआत वैसी करनी है आपको कि ए इज इक्वल टू क्या लेके चलना है, आई ए लेके चलना है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले कितना है, वन है, टू है, और टू है यहाँ माइनस वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई में आपको वन जीरो लेना है, और जीरो वन है, टू इंटू टू की ही लेनी है, और ये ए ऐसा ही दिखता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ वन तो है ही है मौजूद, वन है मौजूद, और इसमें यहाँ पर जीरो लाना है। तो जीरो लाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें आर में वन में दो से गुणा करनी है, और इसमें से घटा देना है। चलिए देखते हैं इसको क्या करना है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ भाई कौन सा लेना है, आर टू में ले रहे हैं, आर टू में क्या करना है, माइनस का टू आर वन करना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं माइनस का टू आर वन करके क्या होता है, चलो यहाँ करके दिखाता हूँ मैं कैसे है। तो यहाँ टू आर वन करना है आर टू में,
तो पहला तो वैसे लिख दीजिए वन और टू, ऐसे लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टू है इसमें माइनस क्या करना है, इसका डबल माइनस करना है, तो दो एकम दो हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ पर पहले से माइनस वन पड़ा हुआ है, इसमें दो से गुणा करेंगे दो दूनी चार हो जाएगा, तो माइनस पे यहाँ चार आ जाएगा। जो काम आपने उधर करा है वही काम इधर भी करना है, यहाँ वन और जीरो पहले लिख लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्या है जीरो है माइनस, इसमें दो से गुणा की गई थी तो यहाँ दो आ जाएगा, और यहाँ पर एक है पहले से ही और माइनस हो जाएगा, इसमें दो से गुणा करेगी तो जीरो ही था तो जीरो ही रहेगा, तो ये आपका इतना आ जाएगा। चलिए देखिए क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर वन आ गया, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ पर टू हो गया और माइनस का फाइव हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ वन आ गया, माइनस का टू आ गया, जीरो हो गया और ये वन आ गया। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे बच्चों माइनस का फाइव आपको दिखाई दे रहा, तो इसी से इसको डिवाइड करेंगे माइनस फाइव से, तभी यहाँ पर वन आ पाएगा। यानी क्या करने जा रहा हूँ मैं, तो वाई लिखेंगे यहाँ, आर टू की जगह लिखना चाह रहा हूँ माइनस का वन अपॉन फाइव आर टू। तो चलिए देखिए करते हैं क्या हो गया इसमें, चलिए देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये आपका हो गया कितना वन हो गया, और यहाँ पर क्या करा हमने माइनस का वन बाई फाइव यानी जीरो अपॉन माइनस फाइव कर देंगे, यहाँ पर टू है तो यहाँ माइनस फाइव अपॉन माइनस फाइव कर दिया गया। यहाँ पर भी वही काम करना है, वन और जीरो को तो नहीं छेड़ना, ये ऐसे रहेंगे, केवल आर टू को छोड़ना है, तो ये हो गया माइनस का दो बटे माइनस पाँच हो जाएगा और यहाँ एक बटे माइनस का पाँच हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये इसको सही करके देख लेते हैं, तो यहाँ तो वन रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो ही रहेगा, यहाँ पर कितना हो गया टू हो गया और यहाँ पर वन आ गया है, इस पर तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वन आ गया लेकिन यहाँ दो बटे पाँच हो गया, यहाँ कितना आ गया जीरो आ गया है और ये माइनस का एक बटा पाँच आ गया। चलिए अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जीरो लाना है इस जगह पर, जीरो ये जीरो कैसे आएगा, अगर हम इसकी दो से गुणा करके इसमें माइनस कर दें तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना है, बाई किसके द्वारा हो रहा है, ये आपका आर वन है, तो आर वन में किसकी माइनस कर रहे हैं, इसकी डबल की यानी कि टू आर टू से माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है, यहाँ तो ये वन आ गया और ये माइनस जो करेंगे दो से मल्टीप्लाई करके तो जीरो ही रहेगा, यहाँ दो है माइनस का दो कम दो करेंगे तो जीरो हो जाएगा और ये जीरो और वन ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पर वन है और इसमें दो से मल्टीप्लाई करना है और इसमें बता दो तो ये माइनस का चार बटे पाँच हो जाएगा, यहाँ पर जीरो है और इसमें दो से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और दो बटे पाँच आ जाएगा। यहाँ कितना है आपका, नीचे ये दो बटे पाँच है और यहाँ माइनस का एक बटा पाँच, इसको जरा सही कर लीजिए, सही करने के लिए मैं आधे पार्ट में इधर चलता हूँ, तो चलते हैं देखो क्या बन के आ गया है, ये बना है आपका वन और जीरो बन गया, यहाँ पे वन और जीरो ले लीजिए, यहाँ पे जीरो और वन आ गया है तो जीरो और वन आ गया है। तो चलिए इधर देखते हैं क्या बना, ये जो भी बना है इसको सही कर लेते हैं, तो पाँच एकम पाँच, पाँच में से चार गया तो एक ही बचेगा तो एक बटा पाँच आ जाएगा, नीचे दो बटे पाँच लिखा हुआ है तो यहाँ पे दो बटे पाँच, यहाँ पर कितना बचा दो बटे पाँच आ गया इधर साइड में तो दो बटे पाँच यहाँ बच गए, और यहाँ कितना बचा है माइनस का एक बटे पाँच हो गया। लेकिन बच्चों कोई चीज़ छूटती आ रही है, इसके साथ का ए मेरा छूट गया है, तो आप ए हर एक जगह लिखते आएंगे क्योंकि ए से ही ए इनवर्स बनेगा, ये यहाँ पर भी ए आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका अब आ गया आई आ गया है, यहाँ पर ए इनवर्स आ गया है और ये ए हो गया है, इसलिए क्या हो गया ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका एक बटे पाँच है, दो बटे पाँच है और यहाँ दो बटे पाँच है और ये माइनस का एक बटा पाँच हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भी हमें जो लेना है ए इज इक्वल टू आई ए लेकर चलना है, तो चलिए बच्चों ए ले लिखते हैं पहले, ये जो दिया हुआ है जीरो है वन है और थ्री है,
यहाँ कितना है, वन है, टू है और वन है, यहाँ पर टू है, थ्री है और वन है, थ्री इंटू थ्री की मैट्रिक्स है ये, तो दे लेते हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ वन आएगा पहले, ये वन है और यहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो वन जीरो और जीरो जीरो वन आ गया, और यहाँ पर ए लिखना है। तो अब देखना है बच्चों, सबसे पहले ऊपर वाली जगह पे यहाँ पे वन आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टू वाले को चेंज कर देंगे इससे, यानी जो बीच में लिखा है इसको ऊपर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, टू आ जाएगा और थ्री आ जाएगा, यहाँ ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, जीरो हो गया, यहाँ पे वन हो गया और ये टू आ गया, नीचे वाला ऐसे रहेगा, थ्री है, वन है और ये वन है। जो काम आपने इधर किया है वही काम यहाँ पर भी करना है, यानी ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी जीरो वन जीरो ऊपर चला गया और वन जीरो जीरो नीचे आ गया, और यहाँ पर जीरो जीरो वन पहले से था, यहाँ ये हो गया, लेकिन क्या करा है ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपने चेंज करा है किसको, आर वन को और आर टू को चेंज करा है आपस में, ये हमने लिख दिया इसको। अब आगे क्या करना है हमें, ध्यान रखना डायगोनल पे ही वन वन बचने हैं, बाकी सब जगह जीरो लाने हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़ जाए। तो मैं इसका थ्री टाइम्स ले रहा हूँ, आर वन का थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा तो इस जगह पे जीरो हो जाएगा। तो चलिए देखिए करके दिखा रहा हूँ मैं, पहले ये वन टू थ्री तो ऐसे रहने दीजिए, और जीरो वन टू भी ऐसे रहने दीजिए, इसमें आर वन में थ्री से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, तो ये हो गया थ्री माइनस, तीन कम तीन हो जाएगा यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर देखिए दो है पहले से ही मौजूद, वन है यहाँ पे मौजूद, तो चलिए तीन से गुणा करिए, तो तीन दुनी छः हो जाएगा, तो माइनस का छः आ जाएगा, और यहाँ पहले से मौजूद क्या है आपका, वन है, देखो यहाँ पर वन माइनस तीन तिया नौ हो जाएगा, देखो इसमें ये नाइन हो जाएगा। जो काम आपने इधर किया वही काम इधर भी करके दिखाना है आपको, तो ये हो गया जीरो वन जीरो तो ऐसे रहेगा, और यहाँ वन जीरो जीरो ऐसे रहेगा, इसमें जीरो में माइनस करना है तीन की गुणा करके इसको जीरो, तो यहाँ जीरो ही रहेगा, यहाँ पर क्या है जीरो है आपका, इसमें माइनस करना है तीन का तीन, यहाँ तीन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है वन है पहले से, तो माइनस करना है जीरो की गुणा करेंगे मतलब तीन की, तो जीरो में जीरो ही रहेगा, ये आ गया। यहाँ पर लिख दिया करो बच्चों भाई, क्या हो गया आर थ्री को क्या करा आपने, आर थ्री माइनस थ्री आर वन कर दिया, चलिए इतना हो गया, इसको सही कर लेते हैं जरा, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ वन टू थ्री आ गया, यहाँ पर क्या आ गया जीरो हो गया, वन हो गया और ये टू आ गया, यहाँ पर अब जीरो आ गया है, यहाँ बचा माइनस का फाइव, यहाँ बच गया माइनस का एट, तो देखते हैं आगे क्या बनेगा, यहाँ पर ये आपका हो गया जीरो हो गया, यहाँ पे वन है, ये जीरो है, इधर क्या आ गया ये भी जीरो ही है, माइनस का थ्री हो गया और यहाँ वन ही रह गया और ये हो गया, तो इसको हमने अब सही कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों तो ए भी चला रहा है, तो यहाँ पर ए चलाते रहिएगा, ये बार बार मेरा छूट जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे जीरो लाना है बच्चों हमें, तो इसमें पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, चलो देखते हैं कैसे हो गए यहाँ पे। यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, आर थ्री में लिखना चाह रहा हूँ, और क्या लिखना चाह रहा हूँ, आर थ्री और प्लस का फाइव आर टू लिखना चाह रहा हूँ, चलिए देखिए क्या है, ऊपर वन टू थ्री सेव रहेगा, इसको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, नीचे बीच वाला भी चेंज नहीं होगा, जीरो वन और टू आएगा, यहाँ पर चेंज होगा, क्या चेंज होगा, मतलब आर टू में पाँच से गुणा करनी है और इसमें जोड़ना है, तो जीरो प्लस पाँच से जीरो गुणा करेंगे जीरो ही रहेगा, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का फाइव है, इसमें पाँच की गुणा करेंगे पाँच हो जाएगा, तो प्लस का पाँच आ जाएगा, और यहाँ देखिए कितना है आपका, माइनस का आठ है पहले से ही, ऊपर वाले में पाँच की गुणा करिए तो पाँच दूनी दस हो जाएगा, तो इसमें प्लस का दस करेंगे,
जो काम आपने इधर किया है वही काम इधर भी करके दिखाना है आपको। इसमें की एक लाइन छूट गई लग रहा बच्चों, क्या छूट गया है? 100 छूटा हुआ लग रहा है यहाँ तो, 1 0 और 0 ये छूट गया था। तो चलिए यहाँ पे 0 1 और 0 रहेगा जू का, तू इसमें 1 0 0 रहेगा। इसमें क्या करना है, इसमें ऊपर वाले में 5 की गुणा करके और इसमें जोड़ना है, तो 0 प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इधर 0 नहीं, माइनस का 3 है बच्चों, यहाँ पहले से -3 है, इसमें 5 की गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो प्लस का 0 ही रह जाएगा। यहाँ पर 1 है और इसमें 0 में 5 की गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो ये 0 ही रहेगा। चलिए थोड़ा इस साइड में बढ़ लेते हैं बच्चों, क्या हो रहा है इधर की तरफ देखते हैं जरा, इसको सही करके लिख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। ये आ रहा है 1 2 और 3 आ गया, और क्या आ गया यहाँ पे, 0 है 1 है और 2 है। नीचे कितना है, 0 है, यहाँ पर भी 0 हो गया और यहाँ 2 बच गया। बराबर यहाँ क्या बचा बच्चों, देखो यहाँ बच गया आपका 0 1 0 और यहाँ क्या बच गया है, 1 0 0 है, 1 0 0। और नीचे की तरफ देखो तो यहाँ 5 आ गया है, माइनस का 3 है और 1 आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बच गया, ये रहा 5 है, माइनस का 3 है और यहाँ 1 बच गया। यहाँ पर ए चला ही आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर भी ए रहेगा ही रहेगा। अब क्या करना है इसमें, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो इसको हम 2 से डिवाइड करना चाहेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो किसको 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं ये ध्यान रखना, कि R3 को आप 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। इसमें 2 से डिवाइड करिए बच्चों, देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये तो वैसे रहेगा 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 ऐसे रहेगा। इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0/2 हो जाएगा, 0/2 आ जाएगा, यहाँ 2/2। यहाँ भी वैसे ही करना है आपको, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 0 आ गया, यहाँ पर 1 0 0 है, सबको 2 से डिवाइड करना है तो 5/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा। और साइड में ए चल ही रहा है, तो क्या करा है यहाँ पे बच्चों ने, बाई R3 को करा है, जो कुछ भी करा है R3 में क्या करा है, 2 से डिवाइड करिए तो R3 × 1/2। चलिए ठीक हो गया, अब देखो बचता क्या है, उसको लिख लेते हैं पहले। तो 1 2 3 है यहाँ पे, 0 है, 1 है और 2 है, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पर भी ये 0 आ गया और यहाँ पे ये 1 आ गया। यहाँ देखिए क्या हुआ, 0 है, 1 है, 0 है, अब यहाँ पर कितना है, 1 है, 0 0, और यहाँ पर है 5/2 है और यहाँ माइनस का 3/2 है और 1/2 आ गया। ये आपका आ चुका है। अब बच्चों क्या करना है, हमें यहाँ पर भी 0 लाना है, तो कैसे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आएगा आपका, यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 से और इसमें माइनस कर देना है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। अभी बच्चों यहाँ पर भी 0 नहीं आया तो यहाँ पर भी हम इसकी डबल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 ला देते हैं। देखो क्या करना है आपको, यहाँ R1 में ही करना है आपको, R2 में मल्टीप्लाई करके, तो 1 है इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दीजिए तो माइनस का 0 ही रहेगा, यहाँ 2 - 2 हो जाएगा और यहाँ 3 - 4 हो जाएगा। देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 हो जाएगा, 3 में से -4 हो जाएगा। अब बाकी इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, 0 1 2 और यहाँ 0 0 1 लिख ले रहे हैं। जो काम आपने इधर किया है वही काम इधर भी करना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें माइनस करना है।
जीरो माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ वन माइनस जीरो रहेगा, यहाँ जीरो माइनस जीरो ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, वन जीरो जीरो है, और इधर क्या है, 5/2 है, और माइनस का 3/2 है, और 1/2 है, ये इतना आ गया है। और यहाँ पर ए चला आ रहा है, बच्चों ध्यान से देखना, ये ए चला आ रहा है आपका। देखो क्या बच गया, उसको लिख लेते हैं पहले। ये बच गया वन जीरो, और जीरो है यहाँ पे, यहाँ पर जीरो हो गया, वन आ गया, और यहाँ पर जीरो हो गया, और यहाँ पर बचा माइनस का वन, और यहाँ पे टू बचा है, और ये वन आ गया। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं क्या बच गया बच्चों, माइनस का टू आ गया, और यहाँ वन आ गया, ये जीरो ही रह गया, यहाँ पर वन आ गया है, ये जीरो जीरो है, और यहाँ पर 5/2 है, और माइनस का 3/2 है, और यहाँ पे 1/2, और एक चला आ रहा है। अब चलते हैं अगले पेज के लिए बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, अब यहाँ ऊपर और जीरो लाना है यहाँ पर जो है, तो यहाँ क्या करना है, R3 R1 में R3 को जोड़ दीजिए आप सीधा सीधा, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, बाई R1 में करना है, और क्या करना है, R1 प्लस का R3 जोड़ दीजिए सीधा सीधा। देखो तो ये जीरो हो जाएगा तुरंत, तो जोड़ करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो वन में लिखना है, तो वन प्लस जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो प्लस जीरो है, माइनस वन प्लस वन आ गया, तो यहाँ पर जीरो वन और टू आ गया, जीरो जीरो वन आ गया यहाँ पर, और यहाँ बराबर देखो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इसका R1 में इसको 3 को जोड़ना है, तो माइनस का 2 है, प्लस का 5/2 हो गया, फिर यहाँ 1 है, और माइनस का 3/2 हो गया, यहाँ 0 है, और प्लस का 1/2 आ गया, यहाँ 1 है, 0 है, और 0 है, यहाँ कितना है, 5/2 है, माइनस का 3/2 है, और ये 1/2। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या हो गया, पहले सही करके लिख लेते हैं। यहाँ वन है, जीरो है, जीरो है, यहाँ पे जीरो है, वन है, जीरो है, और यहाँ पर जीरो आ गया है, और यहाँ पे बचा है टू है, और यहाँ पर वन। चलिए इसको सही कर लीजिए, तो दो दूनी चार हो गया, और पाँच है, तो माइनस का 1/2, प्लस का 1/2 बच जाएगा, और यहाँ 2 × 2, और माइनस का माइनस का, तो माइनस का 1/2 बच जाएगा, -1/2, और यहाँ पर 1/2 पहले से। अब यहाँ क्या बचा है, ये बचा है 1 0 0, और यहाँ 5/2 है ये, और क्या है, माइनस का 3/2 है, और यहाँ 1/2। चलिए इतना आ चुका है। अब यहाँ पे और आपको जीरो लाना है, तो यहाँ पर ए चला आ रहा है बच्चों, ध्यान रखना ये ए चला रहा है, तो यहाँ पर जीरो लाने के लिए क्या करेंगे हम, R2 में, यानी कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं, बाई R2 में क्या करना है आपको ध्यान से देखना, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है R3 को, तो R2 माइनस का 2R3 हो जाएगा, 2R3, यानी हम R3 में 2 की मल्टीप्लाई करके और इसमें से माइनस करेंगे। चलो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर, यहाँ तो 1 0 0 ही रहेगा, यहाँ पर करना था मैं, तो 0 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है और घटा देना है, तो माइनस का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और घटा दीजिए, 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 है, माइनस 2 × 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा 0 0 1। चलिए यहाँ पर भी वही करके दिखाना है आपको, तो 1/2 को ऐसे रखेंगे, माइनस का 1/2 ऐसे रहेगा, और 1/2 भी ऐसे रहेगा। अब 1 में से माइनस करना है ये इसका डबल, तो माइनस का 10/2 हो जाएगा, यहाँ 0 है, माइनस करेंगे तो माइनस का 3 है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 3 2 से कट जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ बचा 0 है, यहाँ 0 माइनस क्या करना है, यहाँ पे 1/2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा। चलिए बाकी नीचे वाला लिख देते हैं, 5/2 है यहाँ पे, और माइनस का 3/2 है, और 1/2, और यहाँ साइड में ए चला आ रहा है बच्चों। अब देखो क्या बच गया, लिख लेते हैं जरा, जो बच गया वन लिखते हैं, वन हो गया, और यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, अब यहाँ कितना है, ये 0 हो गया, और यहाँ पर 1 बचा रह गया, यहाँ पर 0 हो गया है,
यहाँ 0 0 1 आ गया है और बराबर यहाँ क्या बच गया देख लेते हैं बच्चों, यहाँ 1 है, 1/2 है बच्चों, यहाँ पे 1/2, यहाँ 2 एकम 2 तो माइनस का नहीं, 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ तो कटेगा तो 5 आ गए इनके, तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस 4 हो गया। और यहाँ देखिए ये 3 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो गया है, और यहाँ 5/2 दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का 3/2 हो गया, और ये 1/2 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया। देखो ये इस फॉर्म में आ गया, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए की फॉर्म में आ गया, इसलिए ए इनवर्स की क्या वैल्यू आ गई देखो ध्यान से, वही लिखने जा रहा हूँ मैं फिर से, ये आ गया 1/2, ये है कितना 1/2, 3 और माइनस 1 तो छूट गया क्या बच्चों, यहाँ भी बच्चों ऊपर की लाइन छूट गई शायद, माइनस तो ये 1/2 है, फिर माइनस का यहाँ 1/2 था और यहाँ 1/2, तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, पहले पहले वाले में क्या है 1/2 है, देखो ये 1/2 चल रहा, माइनस का 1/2 है तो ये माइनस का 1/2 हो गया, लास्ट में 1/2, यहाँ कितना माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है, फिर आपका 3 है और माइनस 1 है, 3 और माइनस 1 है, यहाँ से 5/2 है, 5/2 हो गया, माइनस का 3/2 है और यहाँ 1/2 है, इसको 1/2, यही ए इनवर्स हो गया और यह आंसर हो गया। बच्चों ज्यादा टाइम हो रहा है, मैं यही समाप्त करूंगा, नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मैं नया डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।